हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर 6 पार्ट 1। तो आज हम देखने वाले बच्चों गुजराती में चैप्टर 6 तमनी चंद्रक मळे। क्या नेम है चैप्टर का? तमनी चंद्रक मळे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है पोएम गीतड़ू। चालो गाइए गीतड़ू। धमा चकड़ी मारू नाम, डायू डायू करवानु के कहवानु एक दारू काम, सीधा रस्ते वाका चुका पगला मांडू लांबा टूका, पान वीणू भीना सूका भेगा करू डाळी ठूठा। पूछो नहीं ए बधानु शू छे हवे मारे काम, धमा चकड़ी मारू नाम। तो ये पोएम किसने राइट किया बच्चों? नीता रामैया। उसके लेखक राइटर है नीता रामैया। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है, आप देख रहे हो ये कौन है, एक मैन है तो वो सो गया है। तो यहाँ पे ये धमा चकड़ी पोएम है, इसके हिसाब से यहाँ पे ये पिक्चर ड्रॉ किया है। धमा चकड़ी मतलब कि धमा चकड़ी करते हैं ना आप गोल, तो डायू डायू करवानू और कहवानू वे तारो काम, सीधे रस्ते आते वहाँ पे वाँका चूका चलना, पगला जब आप मारते हो तो लांबे टूंके होते हैं, और पान कब फेंके करते, भीगे हुए सूखे हुए सब, तो ये सब काम करना मेरा काम है। तो धमा चकड़ी। ओके, ये छोटी सी पोएम है। नेक्स्ट पेज में दिखेंगे चित्रों, ध्यान थी जुओ। तो वातचीत है यहाँ पे, तेमां देखाय छे ते विषे आ वाक्य कहो। धारो कि तमे आवा ठेंगुजीना देश में जाओ तो तमने कई मुश्किली पड़े, कोई ऊंचा मोटा माणसना देश में तमे जाओ तो शू करो, कोई ठेंगुजी क्लास में आवी जाए तो तमे शू करो। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। ओके, वार्ता। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वार्ता। तो बहुत मस्त स्टोरी है बच्चों, तो आपको अच्छी तरह से सुननी है। नानी गुलाब साहस मोटू। तो यहाँ पे क्या नेम है वार्ता का? नानी गुलाब साहस मोटू। काम बड़ा किया उसने, जो छोटी सी गुलाब है उसने बड़ा काम किया है। तो यहाँ पे एक नानी छोकरी छठा धोरण में भणे, एक छोटी सी लड़की थी, वो कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? छठी। तो उसका नाम क्या था? गुलाब। गाम ने छेड़े खेतर में तेनू घर, तो गाम का जो छेड़ा आता है वहाँ पे उसका घर था खेत में। तेना मम्मी पापा खेती करे, उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे बच्चों? खेती। तेमना खेतर ने पासेना खेतर में कुसुम नो परिवार रहे, उसके खेत के बाजू के खेतर में कुसुम जो उसकी फ्रेंड थी उसके परिवार रहता था। कुसुम और गुलाब एक साथ निशाले जता था, तो दोनों साथ में स्कूल में जाते थे। एक दिवस की बात छे, लगभग 10:30 गुलाब और कुसुम निशाले पहुँचा। कितने बजे? 10:30 बजे। दिवसे समाचार वाचन वारो कुसुम न हतो, तो उसके समाचार रीड करने का वारा था। तेने पेन लेवा दफ्तर में हाथ नाख्यो, तो क्या लेने के लिए हाथ रखा? पेन लेने के लिए। तो एक झाड़का साथ हाथ पाछो खींची ली, तो उसने एक झाड़के के साथ हाथ खींच लिया। गुलाबे पूछू शू थयो, तो गुलाब ने पूछा कि क्या हुआ। कुसुमे कहू कशु करड़ियू लागे छे, तो कुसुम ने बोला कुछ मुझे करड़े डंक देते ना साहब। तो गुलाबे झड़प थी दफ्तर बंद कर दीदू, तो गुलाब ने क्या किया? झड़प से दफ्तर बंद कर दिया। एने ध्यान थी कुसुम ना हाथ छोयो, कुसुम का हाथ देखा, कुसुम ने आंगड़ी माथी लोही निकलतु हतु। क्या निकल रहा था? लोही। पण आंगड़ी पर कोई कांपो के चीरो न हतो, तो आंगड़ी पर कोई कांपो के कापा के कोई चीरा देख नहीं रहा था। कुसुम ने आंगड़ी पर बे टपका हता, उसके उंगली पर क्या थे? दो टपके टिपे। तो गुलाब ने समझ में आ गया कि शू बन्यू छे, तेने तरत ज पोतानो दुपट्टो लई कुसुमना लोही निकलता कांडा पर बांधी लीधो, तो उसको पता चल जाए कि ये कौन क्या हुआ है उसको। तो उसने तुरंत उसका दुपट्टा निकाल के उसके जो कांडा आता है ना हाथ का, ये कांडा ये वाला है ना बच्चों, ये तो यहाँ पे उसने फिट बांध दिया। ओके, गुलाब ने दुपट्टा ने बांधियो एटले कुसुमे कह्यु ओय माँ शू काम बांधे छे, क्यों बांध रही है? आ लोही तो हमणा बंद थई जशे, उसने बोला कि तो अभी बंद हो जाएगा। गुलाबे कुसुम ने कह्यु तू हमणा शांत बेसी रहे, तू अभी शांत बैठ, हलन चलन ना करीस, हूँ आऊ छू, उसने बोला कि अभी तू हलन चलन ना कर। तेने कुसुमना दफ्तर ने बराबर बंद छे तेम तपासीने एक बाजू मूकी दीधू, उसने दफ्तर को ठीक से बंद छे एम देखकर देखा उसने,
तो बंद था तो उसने एक जगह पे रख दिया। ते समय उस टाइम क्लास में बीजा जो दूसरे बच्चे थे बाळको पण आवी गयेला, दूसरे बच्चे भी आ गए थे। गुलाबे मयूर और सोनल ने दौड़ाया कि फटाफट शिक्षक ने बोलावे लावे। तो गुलाब ने मयूर और सोनल को बोला कि जाओ आप फटाफट टीचर को बुलाओ। शिक्षक आता गुलाबे तेमने खानगी में कहू। जब टीचर आए तो उस गुलाब ने उसको खानगी में बुलाया, बहन कुसुम ने साप करड़ो हो एम लागे छे। तो उसने बोला कि बहन मैम कुसुम को साप करड़े जैसा लगता है, पहला दफ्तर में साप हो एम पण लागे छे। तो उसने बोला कि वो दफ्तर में साप जैसा लग रहा है। शिक्षक के बीजा शिक्षक ने बोलाव्या, तो टीचर ने क्या किया दूसरे शिक्षक ने बोलाए। तो गुलाब ने तेमज तेना दफ्तर ने लईने सरकारी दवाखाने पहुंचा। तो वो सरकारी दवाखाने पहुंचे, कुसुम ने पण तेमनी साथे राखी, कुसुम को भी साथ में रखी। डॉक्टरे गुलाब ने तपासी, तेमने शिक्षक ने पूछू कि ए साप कोई जोयो छे, जोयो हतो ते झेरी हतो कि बिन झेरी। तो डॉक्टर ने पूछा कि वो झेरी था कि बिन झेरी। शिक्षकों ने कहा कदाच आ दफ्तर में छे साप। एक तरफ डॉक्टरे गुलाब ने सारवार शुरू कर दी थी और बीजी तरफ तेमने सांपना जानकार ने तेड़ाया, सांप के जो जानकार होते ना उसको बुलाया। डॉक्टरे कुसुम ने पूछू आ दुपट्टो कोने बांध्यो छे, आ ये दुपट्टा किसने बांधा। कुसुमे कहू मेरी जो फ्रेंड है उसने, मारी बहनपणी। ओके डॉक्टरे कहू तारी बहनपणी तो भारे होशियार, कि आपकी फ्रेंड बहुत होशियार है। सापना जानकारी दफ्तर में साप काढ़ो झेरी हो कैसा था साप झेरी। तो डॉक्टरे कुसुम ने झेर विरोधी दवा इंजेक्शन आप, कुसुम को इंजेक्शन दिया झेर काम। गुलाबनी समय सूचकता ने कारण जो गुलाब ने जो समझा था उसके कारण कुसुम का जीव बच गया, कुसुम बच गई। वड़ी दफ्तर बंद कर बीजा बाड़क ने भी साप थी बचाव्या, और दफ्तर बंद करके दूसरे बच्चों को भी बचाया। बीजे दिवस से प्रार्थना सम्मेलन में आचार्य श्रीए गुलाब की बात करता कहू दफ्तर में साप छे तेम खबर होवा छता गुलाब डरी नहीं गभराई नहीं, तेने दफ्तर बंद करी एक तरफ मूकी दीधु अने कुसुमना हाथे पाटो बांध्यो जेथी लोही में झेर भळे नहीं। गुलाबे समझदारी काम कर्यु, शाळाना विद्यार्थीओ अने शिक्षकोए તાળીઓના ગડગડાટે ગુલાબને શાબાશી આપી અને ગુલાબના આ સાહસની તે દિવસે વર્તમાન પત્રમાં પણ છપાઈ। તો બચ્ચો યે ગુલાબને કેસા કામ કિયા થા, એક અચ્છા કામ કિયા થા ના બચ્ચો, તો ઇસલિયે ઉસકે જો આચાર્ય થે ઉસને ઉસકો ક્યા કિયા પ્રાર્થના સંમેલન સબકે સામને ઉસકી ક્યા કી તારીફ કી કે યે ગુલાબ કા અચ્છા કામ હે ઓર ઉસકો ને સબકો ગુલાબ કો શાબાશી ભી દી। ઓકે तो उसका जो वर्तमान पत्र में भी उसका जो ये अच्छा काम था वो लिखवाया उन्होंने। तो कैसी लगी बच्चों आपको स्टोरी वार्ता नानी गुलाब और साहस मोटू। तो आपको इस वार्ता को एक बार रीड करना है और आपको उसमें से एक पैराग्राफ राइट करना है। ओके आपकी नोटबुक में फर्स्ट आपको एक पैराग्राफ राइट करना है, उसके बाद ही आपको आपका होमवर्क स्टार्ट करना है। ओके तो फर्स्ट आप एक ही पैराग्राफ आप राइट करोगे आपकी नोटबुक में, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी गुजराती राइटिंग की। ओके तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। बातचीत एक, कुसुमे तरत झटका थी हाथ बाहर खींची लीधो, तेनी आंगळी में लोही निकलतु हतु, ये वांची तमने शू थयु। ठीक है अच्छा हुआ कि आपने तुरंत हाथ निकाल दिया, तो आपको कैसा लगा। तमने गुलाब ने शाबाश कहवानु मन क्यारे थयु, तो आपको कब इच्छा होगी गुलाब को शाबाश कहेंगे। आपको इच्छा तो हुई होगी ना ये स्टोरी रीड करके कि गुलाब ने क्या अच्छा किया। तमे कोनी साथे शाळा में आवो छो, जाते के मम्मीए कह्यु तेनी साथे शा माटे। तो आप स्कूल में जाते तो किसके साथ आते बच्चों, वो आपको शेयर करना है। जेमा शरीर ने नुकसान थे तेवुं जोखम होय तेवुं एवुं साहसनुं काम कोईए कर्युं तेवा प्रसंगो याद करीने कहो। किसी ने भी आपको कोई भी जोखम कोई तकलीफ होगी तब आपने किसी को मदद की होगी, तो आपको भी किसी ने मदद की होगी, ऐसी कोई भी प्रसंग हो तो आपके घर पे फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। गुलाब तुम्हारी शाला में आवे तो तुम्हें तेने केवा प्रश्न पूछो। अब अगर गुलाब आपके स्कूल में आती है तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हें गुलाब ने इनाम में शू आपसो। ओके नीचे आप देख सकते हो ये पिक्चर है, देखो झेरी सांप और बिन झेरी सांप देख सकते हो ना बच्चों। तो ये सांप है जो हमें कहते हैं तो हमको बचने के लिए जो गुलाब ने किया था ना दुपट्टा बांधा था, ये सब ऐसे आपको करना है तो आप बच जाओगे जल्दी। ओके सांप के
तेवा बीजा झेरी जीव जंतु करे त्यारे आटलू याद राखो। तमने एकबीजाने सांप के ने जीव जंतु करे त्यारे डरीने रड़ा रोड़ के बूमा बूम करवा नहीं, हिम्मत थी काम लेव। 108 बोलाओ। जेने सांप जीवजंतु करोड़ियो होय तेमने प्राथमिक उपचार आपो। डंखनी जगह घरेणा के बूट पहेर्या होय ते काढ़ी नाखो। ओके, तो ये आपको करना है। तो नेक्स्ट पेज में दिखेंगे। डंक पर पाटो बांधी दो। पाटो कचकचावीने न बांधवो। डंक पर क्या करना है आपको, पाटा बांधा है। घाव साथ कोईपण छेड़छाड़ कर वगर दर्दी ने दवाखाने पहुँचाड़ो। दर्दी ने त्या सुधी कोईपण दवा न आपी। दर्दी ने जरा पण हलन चलन न करवा देव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। साचू खोटू, तो यहाँ पे थ्रू फॉल्स है। मम्मी ए गुलाब ने एकला निशाड़े जवा कहू, रॉन्ग। कुसुम ने खबर हती कि तेने साप करड़ियो छे, रॉन्ग। गुलाब ने कई खबर हती एटले एने दफ्तरनुं मुँह बंद कर दीधुं, राइट। कुसुम ने दवाखाने पहुँची तरत डॉक्टर तेने सारवार शुरू कर दीधी, तो राइट। कुसुमना दफ्तर में साप शाळामांथी भरायो हतो, रॉन्ग। डॉक्टरे कुसुमने जणाव्युं कि एने साप करड्यो हशे, राइट। सॉरी, रॉन्ग। गुलाबे कुसुमने साप करड्यो छे एनी साबिती आपवा दफ्तरनुं मुँह बंद कर्यो, राइट। गुलाबे डर्या वगर समयसर पाटो बांधीने कुसुमने बचावी लीधी, राइट। साहेब डॉक्टरने बतावाने सापने साथे लई गया हता, सापने, राइट। बीजा वाँचता बचावता बचावता मृत्यु पामेला बाळकोने राष्ट्रपति बालवीर एवॉर्ड आपे छे, रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी नोटबुक में राइट करनी है। नीचेना माथी कौन साहस कर्यू कर्यू कहवा से चर्चा करो। पाणीना टाका में पड़ेला बाळक ने बाहर काढ़वू, तो ये क्या है, एक साहस है। कूआ में पड़ी जता झाड़नी डाळी पकड़ीने बची जवू, साहस। अंध माणस ने रस्तानी सामी बाजू लई जवा, रस्तानी सामी बाजू, रॉन्ग। नाळियेरी पर चढ़ीने लूम लावी। रस्ता में गड़ा माथी चेन तोड़ी जनारा बाइक सवार ने धक्को मारी पाड़ी नाखी पकड़ावी देव, राइट। घर में घुसेला मारकणा बड़द ने दोरडा थी थांभले बांधो। घुसेला मारकणा बड़द ने दोरडा थी थांभले बांधो, रॉन्ग। तो ये अच्छा नहीं है। तड़ाव में तरती वक्ते होड़ कागड़नी होड़ी ने डूबती बचावी लेवी। तड़ाव में तरती कागड़नी होड़ी ने डूबती बचावी लेवी, साहस। वीजड़ी करंट लागेला छोकरा ने लाकड़ी की मदद थी छूटो पाड़ी बचाओ, तो ये भी एक साहस से। ओके, तो यहाँ पे आपको ये रॉन्ग ओनली ये थ्रू फॉल्स आपको नोटबुक में राइट करना है। और जो मैंने आपको बोला कि एक पैराग्राफ फर्स्ट आपको राइट करना है, उसके बाद ही ये एक्टिविटी करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। तो एक बार आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, उसके बाद ही आपको होमवर्क स्टार्ट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 3rd, सब्जेक्ट गुजराती। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 में लालजी ने खाई गई बाजरी। तो हम पढ़ चुके थे ना बच्चों ये चैप्टर। तो उस चैप्टर में आज हम आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पैराग्राफ जो मैं रीड करूँगी तो वो आपको सुनना है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन आपको मैं आज होमवर्क देने वाली हूँ कि आपको ये पैराग्राफ जो मैं जितना दूंगी इतना पैराग्राफ आपको सेम आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके, तो आज हम देखेंगे पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ छे चैप्टर 4 में लालियो क्या गयो। ओके, तो यहाँ पे हम रीड करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। एक नानकड़ू गांव, क्या था वहाँ पे, नानकड़ू गांव। ओके, तो यहाँ पे क्या है ये, उसको बोलते हैं गुजराती में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ओके, वो आपको देखना है। गाम माँ, तो माँ के ऊपर क्या है, माँ, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। ओके, तो आपको देखना है। गाम माँ सोमा भाई नामना खेडूत रहे। ओके, कौन रहता था वहाँ पे, खेडूत। तेमनी पासे बे बड़द, क्या था उसके पास, दो बड़द थे। ओके, एकनु नाम काळियो अने बीजानु नाम लालियो, तो फुल स्टॉप। बने, तो बने ऊपर, ब के ऊपर क्या है बच्चों, फुल स्टॉप है ना बच्चों, फुल स्टॉप नहीं मतलब कि उसको बोलते हैं ब, ब मतलब कि जब ब जैसा उच्चार होता है तो उसके ऊपर डॉट दिया गया है। बने बड़द एमने खूब वाला। तो आप जो पैराग्राफ राइट करोगे तब आपको ये इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे डॉट है, किसके जो वर्ड्स से गुजराती के तो उसके ऊपर वर्ड्स डॉट आता है, वो आपको पूरी तरह से ध्यान रख के पैराग्राफ राइट करना है। ओके,
मार्च महीनो आवे तो मार्च मार्च के ऊपर यहाँ पे कर्व है, तो आपको जब मार्च लिखोगे तब आप मार्च ऐसे र के साथ नहीं लिख सकते, लेकिन मार्च मतलब कि ये जो कर्व है उसके हिसाब से हम रीड कर सकते हैं मार्च। ओके, मार्च महीनो आवे, बाजरी वावानो समय थयो, वावणी माटे पहला, तो ला के ऊपर क्या है, डॉट है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये सब देख के अच्छी तरह से देख के आपको पैराग्राफ राइट करना है। ओके बच्चों, पहला खेतर खेड़वू पड़े, सोमा भाई बन्ने बड़द लेने खेतर खेड़वा गया। ओके, अर्धु खेतर खेड़ियू अने बपोर थई रेवा बेन भाथु आपी गया, भाथु सोमा भाई खाईने आराम करवा सूता। तो ये पैराग्राफ हमने रीड किया, तो ये पैराग्राफ है, लेकिन आपको मैंने जो बताया कि डॉट फुल स्टॉप, ये डॉट यहाँ पे भी डॉट है, ये सब आपको भूलना नहीं है, अच्छी तरह से आपको पैराग्राफ राइट करना है, एक बार आपको रीड करना है, ये जो वीडियो में मैं एक बार रीड कर दूंगी लास्ट में ये समझाने के बाद, सेम आपको भी रीड करना है मेरे को सुन के और आपको राइट करना है। ओके, जागी ने जोयू तो बे बड़द माथी एक बड़द गायब, तो ये है, ये क्या है बच्चों, ये भी आपको राइट करना है। ओके, जागी ने जोयू तो बे बड़द माथी एक बड़द गायब, जब आधा सेंटेंस आता है तब यहाँ पे ये निशानी निशान होगा, तो आपको ये सेम ऐसे ही राइट करना है। खेतर में काड़ियो हतो पण लालियो न हतो, सोमा भाई लालिया ने खेतर में घणू शोध्यो, लालिया ए लालिया लालजी क्या छे तू, तो यहाँ पे तू के ऊपर क्या है, डॉट, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, पर प्रश्नार्थ चिन्ह, क्या बोलते गुजराती में इसको, प्रश्नार्थ चिन्ह, तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ये भी आपको रखना है, पण ते क्या है न छोड़ो, तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट किया है, तो एक बार फिर से मैं रीड करती हूँ, उसके बाद आपको जो ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये पैराग्राफ होमवर्क में आपको मैं दूंगी, तो उसकी पीडीएफ जो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी, तो इतना पैराग्राफ जो मैंने टिक किया है यहाँ से जो ऊपर रीड किया था, इतना पैराग्राफ आपकी गुजराती की नोटबुक में होमवर्क में ये एक पैराग्राफ आपको राइट करना है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार रीड करने। एक नानकड़ू गाम, गाम में सोमा भाई नामना खेडूत रहे, तेमनी पासे बे बड़द, एकनु नाम काड़ियो अने बीजानु नाम लालियो, बन्ने बड़द एमने खूब वाला, मार्च महीनो आव्यो, बाजरी वावानो समय थयो, वावणी माटे पहला खेतर खेड़वू पड़े, सोमा भाई बन्ने बड़द लईने खेतर खेड़वा गया, अर्धु खेतर खेड़ियू अने बपोर थई रेवाबेन भातु आपी गया, सोमा भाई खाईने आराम करवा सूता, जागीने जोयू तो बे बड़द माथी एक बड़द गायब, खेतर में काड़ियो तो हतो पण लालियो न हतो, तो सोमा भाईए लालिया ने खेतर में घणू शोध्यो, लालिया ए लालिया लालजी क्या छे तू, पण ते क्याय न चढ़ो, तो ये पैराग्राफ आपको एक बार रीड करना है, और आपका ये सेम होमवर्क है जो मैंने टिक किया है, इतने तक आपको ये पूरा पैराग्राफ राइट करना है आपकी नोटबुक में, और रीड करने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।